हम आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं जनरल विपिन रावत। आपको बता दें कि आज उनको रिटायर होना है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जनरल विपिन रावत की जगह लेंगे, सेना प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल सीधी तस्वीरें वॉर मेमोरियल से। आपको ये भी बता दें कि जनरल विपिन रावत को भारत का पहला डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर लिया गया है। सेना की सरकार की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है। और आज जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल से, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपसे, कुछ देर पहले जनरल विपिन रावत वॉर मेमोरियल पहुंच गए थे। फिलहाल लाइव तस्वीरें वहीं से। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, और क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी जो वर्तमान में सेना प्रमुख हैं जनरल विपिन रावत, जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, वो आज सेना के पद से रिटायर हो रहे हैं सेना प्रमुख के पद से। और इसीलिए जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहां पर श्रद्धांजलि से शहीदों को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसके बाद साउथ ब्लॉक जो सेना मुख्यालय है वहां पर वो पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें जो पारंपरिक सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर, उनकी जो यूनिट है गोरखा रेजिमेंट, उसके जवान उनको यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर देंगे उनके सम्मान में। और इस गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वो जो नए सेना प्रमुख हैं जनरल मुकुंद नरवणे, उनको सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार सौंपेंगे। और उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाकर जो सीडीएस का कार्यभार है वो संभालेंगे। कल आधिकारिक तौर पर सीडीएस के तौर पर उनका यही जो गार्ड ऑफ ऑनर आज हम देख रहे हैं, ये दोबारा सीडीएस के तौर पर होगा। लेकिन आज सेना प्रमुख के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी जो नए सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उनको सौंपेंगे। और इस वक्त अमर जवान ज्योति जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं जनरल विपिन रावत, वहाँ पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जैसा कि कल देर रात जिस तरह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो आदेश है, सरकारी आदेश, उसके आने के बाद एक तरह से नए अध्याय की शुरुआत की है। लंबे समय से खासतौर से करगिल युद्ध के बाद से लेकर सेनाओं में सीडीएस को लेकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को लेकर एक लंबी मांग थी जिसको सरकार ने पूरा किया है। जी बिल्कुल। तो दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, फिलहाल सीधी तस्वीरें वॉर मेमोरियल से। आपको बता दें कि शहीदों को श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है। जनरल विपिन रावत, आज उनका आखिरी दिन है, सीडीएस वो होंगे, ये पहले ही सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो मंगलवार को जनरल विपिन रावत की जगह सेना प्रमुख का कार्यभार संभालने जा रहे हैं। औपचारिक ऐलान सरकार की तरफ से पहले ही कर दिया गया है। और आपको बता दें कि गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया गया विपिन रावत को। और इसके बाद एक और उनका कार्यक्रम है। और ये भी बता दें कि तस्वीरें सीधी वॉर मेमोरियल से। हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत लगातार बने हुए हैं। मंजीत, नए सेना प्रमुख कब कार्यभार संभालेंगे? आज 12 बजे जो वर्तमान सेना प्रमुख विपिन रावत, वो 12 बजे नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जनरल मुकुंद मनोज मुकुंद नरवणे, उनको कार्यभार सौंपेंगे। 12 बजे का वक्त रखा गया है। उससे पहले इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ साउथ ब्लॉक, जहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की गई है, जहाँ पर जो नए सीजेस है और वर्तमान में सेना प्रमुख है जनरल विपिन रावत, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसकी जो के जवान इस वक्त देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद जो सेना मुख्यालय है वहाँ पर जनरल विपिन रावत सेना प्रमुख के तौर पर अपना कार्यभार नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सौंपेंगे। और 12 बजे के बाद के आसपास वो नए जनरल नरवणे नए सेना प्रमुख हो जाएंगे। उसके बाद खुद सीजेस के तौर पर जनरल विपिन रावत सीजेस के तौर पर इनकी चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। और कल एक तरह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर उनको यहीं पर दोबारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है। और आपको ये भी बता दें कि 3 साल के कार्यकाल के बाद मंगलवार यानी कि आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें, शहीदों को जाकर श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है।
और आपको ये भी बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का औपचारिक ऐलान सरकार की तरफ से उनके लिए पहले ही कर दिया गया है और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने आज 12 बजे के बाद संभालने जा रहे हैं सेना प्रमुख का कार्यभार। यानी कुल मिलाकर मंजीत आज का दिन बहुत ही खास है। एक तरफ जहां बिपिन रावत रिटायर हो रहे हैं, नए पद पर जा रहे हैं, मतलब एक बड़ी कश्मकश थी इस पद को लेकर भी, लेकिन सरकार की तरफ से औपचारिक ऐलान पहले ही किया जा चुका है, तो दूसरी तरफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने को आज सेना प्रमुख बना दिया जाएगा। देखिए, दो महत्वपूर्ण चीज़ें सेना प्रमुख के तौर पर नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का कार्यभार संभालना आज 12 बजे और CDS के तौर पर जनरल बिपिन रावत जो पहली बार यानी कि लंबे करगिल युद्ध के 20 साल के बाद इस सरकार ने इस मांग को पूरा किया है, तो दो अहम चीज़ें आज होने जा रही हैं और एक तरह से इस साउथ ब्लॉक सेना मुख्यालय इन दोनों महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं सेना के इतिहास में उनका गवाह होगा। और आज अभी थोड़ी देर बाद यहां पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को सेना प्रमुख के तौर पर रिटायर होने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद वो सेना प्रमुख का अपना जो कार्यभार है वो नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सौंपेंगे और उसके बाद सेना मुख्यालय में ही जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया कार्यालय बनाया गया है वहां पर जनरल बिपिन रावत CDS के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और कल उन्हें CDS के तौर पर दोबारा यहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी घटना है, खासतौर से पूरे अगर हम देश की आजादी के बाद बात करें तो ये पहला मौका है जब दुनिया की जो दूसरी बड़ी सेनाएं हैं अमेरिका फ्रांस उनकी तर्ज पर भारत में भी अब CDS का पद बनाया गया है और ये पहला मौका है जब जनरल बिपिन रावत पहले CDS के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। अभी उनका आज 3 साल के तौर पर सेना प्रमुख के तौर पर आज उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब आगे यानी कि 65 साल जो की उम्र तक यानी अगले 3 साल तक CDS के पद पर भी तैनात रह सकेंगे। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बहुत सारे सवाल भी यहाँ पर मंजीत उठाए जाते रहे, जैसा कि कहा कि कई नियमों में बदलाव किया गया है जिसमें सबसे बड़ी जो बात थी वो उम्र की सीमा को लेकर थी CDS के तौर पर नियुक्त करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को। देखिए, पिछले कई दिनों हमने देखा कि सरकार की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर उसके कार्यों को लेकर उसके अपॉइंटमेंट को लेकर काफी चीजें जानकारी दी गई और उसको लेकर समय सीमा की बात भी कही गई, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर CDS के तौर पर जनरल बिपिन रावत के लिए बहुत सारे मुद्दे होंगे और खासतौर से तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल की जो बात लंबे समय से की जाती रही है, इंटीग्रेशन की जो बात की जाती रही है और तीनों सेनाओं को थिएटर कमांड की तरफ ले जाने की जो बात रही है, तालमेल बिठाने की जो बात रही है, उसको वो उनके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हुई और जो CDS के तौर पर उनको जो चार्टर दिया गया है उसमें सबसे अहम जिम्मेदारी अगले 3 साल के अंदर मोदी सरकार की ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन, बेहतर तालमेल, जो तीनों सेनाओं के इक्विपमेंट हैं, जो एसेट्स हैं, उनके बीच में कैसे तालमेल बिठाया जाए, उन चीजों को लेकर उनको काम करना होगा। और इसीलिए हमने देखा कि कल देर शाम जब आधिकारिक तौर पर CDS के तौर पर जनरल बिपिन रावत का आदेश आया तो ये बात साफ हो गई कि सरकार इस CDS को लेकर अब अगले 3 साल में जनरल बिपिन रावत क्या करेंगे इसको लेकर पूरी रूपरेखा